अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं चिलास होटल से। तो आज जो है हम लोग कला को आ गए थे रेस्ट वगैरह के, कला को हमारे जस्ट स्टे था, अभी होगा ब्रेकफास्ट। तो अभी जो है ऊपर जाके आपको बताते हैं कि हम हैं किस जगह पे, आप सिर्फ चेक कर रहे हैं जगह। तो चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको जगह कैसी है। अच्छा गाइस, होटल जो है कुछ इस तरह का है, ज्यादा लग्जरी और मजे का होटल है। रात को जब इधर लाइट्स लगती है ना, क्या यार मैंने पिक्चर खींची, क्या मजे की पिक्चर आई है इस जगह के ऊपर। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। हाल 8:40 हो रहे हैं, अभी करेंगे हम लोग नाश्ता, उसके बाद निकलेंगे। अभी तो सब तैयार हो रहे हैं, कोई नहा रहा है, कोई क्या कर रहा है, मैंने भी नहाया, मजा आ गया। रात को जो है ना मजे की नींद आई, सुकून वाली। कुछ ये हालात है कि भाई सही डेजर्ट डेजर्ट लग रहा है, और इतनी ठंड है भी नहीं जितनी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि भाई बहुत सर्दी होगी, हल्की हल्की हवा भी इवन नहीं चल रही। फिलहाल है चिलास, आगे जाके स्कर्दू में पता चलता है, और हुंजा में मैंने सुना है -18 है। देखते हैं भाई हुंजा तो और भी मजा आएगा। तो देख रहे हो भाई आसपास हम पहाड़ों से जो है गिरे हुए हैं, सारा रास्ता पहाड़ों का भी है, क्योंकि अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं स्कर्दू के लिए। पहले करेंगे रास्ता, उसके बाद निकलेंगे स्कर्दू के लिए। स्कर्दू बहुत मजे की जगह है, उधर मेरे खास से डेजर्ट सफारी भी है। तो दिल के अंदर अरमान है कि भाई उधर जाकर डेजर्ट सफारी करनी है, पर पता नहीं पॉसिबल हो भी पाता है नहीं हो पाता। अच्छा गाइस, जो है नाश्ते का प्रोग्राम कहीं और है, तो अभी हम लोग पहले जाएंगे उधर, उधर जाके नाश्ता करेंगे। गाइस हमारा ड्राइवर है, क्या बंदा ड्राइवर है यार, क्या मस्त ड्राइवर है, ऐसा ड्राइवर तो मैंने देखा ही नहीं है। अभी जो है हम लोग रुके हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए, और क्या भाई आस पास पहाड़ ही पहाड़, कौन सी जगह। अरे नाश्ते में है हमारे पास आमलेट, कैसा है भाई? बहुत मजे का, बहुत मजे का। जगह जिस जगह पे हम लोगों ने ब्रेक लिए, और ये है नांगा पर्वत। गाइस मैं पहले समझाऊं कि 61,000-65,000 जा रहा है, 7,000 है, अभी 7,000 हुआ है। एडवेंचर होने वाला है, ऊपर बैठने वाले हैं हम लोग इन पहाड़ों के बीच में। नहीं करना है फिर। ड्राइवर जा रहा है, जा जल्दी चढ़। मजा आ गया बल्ला, तू 3 घंटे का रास्ता है, मैं तो कह रहा हूँ तीनों घंटे ऊपर ही बैठा रहा हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है यार, सुकून मिल रहा है। बड़ी मुझे यकीन नहीं होता लोग 30-40 सालों तक घर में रह कैसे लेते हैं भाई। निकलो तेरा कि घर जो है कहीं पैसे बचा के कहीं घूमने निकल जाएगा, बुढ़ापे में जाओगे क्या? के मारे ज्यादा
मुझे मौत से नाराजगी अभी स्ट्रिंग वगैरह लेकर आया हूँ अरे गाने सुन रहे हैं क्या मजा आ रहा है सुकून यार अच्छा गाइस अभी जो है हम लोग पहुंच गए हैं यार आप लोग चेक करो यार क्या ही माहौल है गाइस ये आगे जाके मैं आपको माहौल दिखाऊंगा आप लोग कहोगे कि यार व्लॉग देखने का मजा आ गया यार गाइस काफी सफर तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपर कचूरा लेक गाइस रेडी हो जाओ जो चीज मैं दिखाने वाला हूँ ना हाय 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 भाई साहब स्की जेट्स भी हैं इधर कश्तियां भी हैं और स्पीड बोट्स भी है हाय 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 सुकून यार गाइस चेक करो जस्ट आप लोग ये लाइफ में क्या लग रही है यार तेरे प्यार में अच्छा गाइस ये लोग तो नहीं कर रहे पर मैं अकेला जेट स्की करने लगा हूं चलो छोड़ ये गाइस लेट्स गो गाइस शाम होने के करीब है हम लोग अभी जा रहे हैं शंग्रीला और अभी जो है मैंने सिर्फ जेट स्की की है और ऐताबाद लेक में भी करूंगा भाई क्योंकि एंजॉय करने में कंजूसी नहीं करनी भाई अच्छा गाइस अभी जो है हम लोग आए हैं अपने होटल के ऊपर बाकी ये कि मजा बहुत आ रहा है एक रिलैक्समेंट फील हो रही है जो मैं आपको पता ऊपर बैठा था कि काफी देर तक तो भाई मैंने ये सीखा कि जितनी भी हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं एंजाइटीज होती है वो दिमाग में बहुत बड़ी हो जाती हैं ये सब चीज़ें आपके दिमाग के अंदर हैं तो आपको टेंशन लगी रहती है ना कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा मैं एक कारोबार कर रहा हूँ उसमें लॉस हो गया भाई फिर क्या होगा आगे क्या होगा यार ये बंदा ये मेरे बारे में क्या सोचेगा ना भी आपके दिमाग में टेंशन है जितनी एंजाइटी है ना ये सब आपके सिर्फ दिमाग के अंदर है रियल लाइफ में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में इस प्रेजेंट मोमेंट को जियो ना कि आप फ्यूचर की टेंशन लो ये हो गया वो छोड़ के चली गई है आप बहुत गौर से सुन रहे हो मत ज्ञान देता हूँ ना मैं अच्छा गाइस खाना वगैरह खा के हम लोग आ गए थे रूम पे तो बाकी सब जो है सो के इस वजह से मैं तो जो बोल नहीं सकता बाकी जैसे कि आप देख सकते हैं भाई 4 बज गए ये सारा टाइम मेरे दिए सोने का एडिटिंग में और मैं अभी सोऊंगा फिर 2-3 घंटे बाद उठूंगा 7:30 बजे हम लोगों ने निकलना है तो इसी के साथ मैं करता हूँ ब्लॉग को एंड अगर आप लोगों ने देखा है तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ ताकि वो भी इस तरह की खूबसूरत जगहों पर आएँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में Thank you so much for watching. Allah Hafiz. And do subscribe to Hasnain Salim Vlogs.